गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ, अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। आज मैं खाने लगी हूँ परोंठी एक बहुत लंबे टाइम के बाद। यार मुझे लगता है मुझे महीना हो गया परोंठी खाए। और पनीर भुर्जी और चाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। तो यार काफ़ी देर की हो चुकी है, पर मेरी सुबह लेट हुई है क्योंकि आपको मैंने बताया था कल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। तो मैं उठी हूँ 9:30, मैंने ब्रेकफास्ट किया भाग भाग के, तो फिर मैं लेट हो गई थी। मैंने सोचा अब जाते जाते मेरे को डिपार्टमेंट लंच वाला टाइम आ जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, उसको फायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर मैं यहीं बैठ के पढ़ती हूँ फर्स्ट हाफ तक, सेकंड हाफ में लंच करके उसके बाद चलेंगे बाहर। सो गाइज, आई एम बैक। मैं नहा वहा के आ गई, अब मेरे को थोड़ी सी सफाई करानी है। आंटी आए हुए हैं तो मैं सफाई करा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। यार आज मैंने एक चीज़ सोची है करने को, अगर तो वो हो जाती है आपको बताएंगी, क्योंकि यार उस दिन सोचा था हो नहीं पाया। यार लाइट बंद हो चुकी है तो मैं अभी उठी थी, तो मैं सोचा मैं तैयार होके फिर निकलती हूँ। ड्यूटी लगाई है उन्होंने 21:22 को। हाँ 21:22 को, 21:22 को तो मैं यहाँ पे होंगी नहीं क्योंकि शादी है, तो मुझे वही अब सेटल डाउन करना पड़ेगा किसी ना किसी बात करके। तो अभी वो काम भी आ गया, अभी जाके तो फिर देखती हूँ कैसी आ रही है लाइट बाहर से। लाइट बंद है तब से। ये देखो, ये मेरे रूम से बाहर का व्यू है, उस दिन मैं आपको वहाँ से बता रही थी। हाँ ये जो बनी हुई है ना स्लैब, यहाँ पे आके सुबह बैठे होते हैं खुसर पुसर खुसर पुसर। लाइट आई नहीं, एक घंटा हो गया गए हुए, पता नहीं क्या हो गया लाइट को। आज डिप्रेस ही नहीं थे, कोई शर्ट मिली दिख ही नहीं रहा था, निकाली यही डाल के आ गई। मैंने मैंने लंच कुछ खास नहीं किया, ऐसे बनाना खाए थे। अब मैं सोच रही हूँ जाके मैं ग्रॉसरी में कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। धूप देखो यार गाइस, बच्चा दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिखेगा, पर ये ज़रूर दिखेगा आपको, वो भी इतने पास से। यहाँ भी लाइट बंद है यार, फ़ायदा नहीं हुआ कुछ आने का, सारा बंद बंद पड़ा हुआ है। आई गॉट माई मेडिसिन, ये आपको याद है मैं भूल गई थी घर पे, और ये रात को खानी होती है, तो मेरी फ्रेंड है रिया, पापा ने उनको दी थी, वो लेके आए हैं। गाइज अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, भूख लगी है। मेरे साथ मेरे दो मित्र हैं और ये है रिया जो मेरी मेडिसिन लेके आई थी। तो अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी, कुछ खाएंगे पियेंगे। गाइज मैं पीने लगी हूँ कोकोनट वाटर और कुल्चा, भूख लगी है यार। येलो मस्टर्ड अच्छा लगता है। वापस मैंने थोड़ा बहुत खाया पिया तो आगे वापस, लाइट आ गई है थैंक गॉड। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ से यहाँ चल के आए और हालत बुरी हो गई। मैंने आपको उस दिन बोला था कि मतलब जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई अच्छी मतलब खुशी वाली चीज़ होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँ। इसलिए अब ये हुआ था कि मैंने आपको बताया था जब हमारे 100 पोस्ट हुए थे, तब उस दिन मैंने सोचा था मैं जाऊँगी, बट लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। पर मेरे ना मन में होता है कि एक बार ही बोल दिया तो थोड़ा लगता रहता है। मंच वर्कर्स के बच्चे रहते हैं वहाँ, जाके उनके साथ अपनी थोड़ी खुशी बांटेंगे, मज़े करेंगे। मिलाऊँगी फिर मैं आपको अपने छोटे छोटे दोस्तों से, थोड़ा काम करते हैं उसके बाद मिलते हैं। यार शाम को जाऊँगी, तुम्हें अभी धूप देख रही हो। गाइस मुझे लाइब्रेरी कुछ काम है, तो पहले वहाँ जाके हो आते हैं, पानी भी भरना है, प्यास लगी है, उसके बाद आते हैं। चलो लाइब्रेरी, बड़े दिनों के बाद लाइब्रेरी जा रही हूँ मैं, एक साल की बात है ना, भूल गई नहीं तो मैं छाते के बिना निकलती नहीं हूँ, ऐसे कवर करके चल रही हूँ। सो गाइस दिस इज़ द वे टू लाइब्रेरी। काफ़ी सारे रास्ते हैं, मैं अंदर अंदर से जा रही हूँ कि बाहर धूप है। ये देखो कितने सही से पत्ते गिरे हुए हैं, फूल से भी रास्ता है, सेंटर से एक पूरा सर्कल मार के भी रास्ता है। तो जो जो यहाँ से जहाँ से आ रहा है, इसको जो पास पड़ रहा है, वो वहीं से आ सकता है। मेरी और लाइब्रेरी की काम में दोस्ती रहती है, क्योंकि मैं शायद एक साल बाद आई हूँ। और ये बुक सेक्शन है, मुझे दूसरे सेक्शन में जाना है। गाइस बॉटल भर ली, लाइब्रेरी वाला काम हो गया। एक्चुअली मैंने रीडिंग सेक्शन के नीचे वीडियो नहीं कैप्चर की, क्योंकि बच्चे सारे पढ़ रहे थे, पूरा फुल था। बिकॉज मंडे से बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं यार, मेरी भी ड्यूटीज़ लगी हुई थी बीटेक वाले में, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ स्वैप करवाई हैं। पहली बार इतनी फुल देखी, मेरे ख्याल जब पेपर होते हैं तब बच्चे सारे आके बैठ जाते हैं लाइब्रेरी में। लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी, बड़े खुश हुए थे, दीदी वापस आना वापस आना। अभी देखते हैं कि नहीं उधर। सो गाइज एक्चुअली बैग मेरा बहुत भारी है, आप देख रहे हो, तो इसको मैं उठा के वहाँ तक लेके नहीं जा सकती, डर लगेगा बात है। तो मैंने डब्बे में से निकाल दी चॉकलेट, क्योंकि बंदर होते ना रास्ते में, तो कई बार देख लेते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया। चलो चलते हैं फिर। देखो सामने यार, मैं यही चीज़ का वेट कर रही थी कि धूप हटे फिर मैं निकलूँ, कि टाइम यहाँ अलग ही रहता है, सीन सीनरी बहुत सही लगती है यार। गाइज
देखी आ रही कितनी। हॉस्पिटल के सामने है, यहाँ निकलता था गाइस गेट 3, जो कि इन्होंने क्या किया बंद कर दिया परमानेंटली। बच्चे यहाँ से दीवार टाप के भी जाते थे, पता है। अगर गार्ड ने मुझे देख लिया उसको लगेगा मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। दिख रहा होगा आपको ये हॉस्पिटल, आप पता नहीं मेरे को जाने देंगे अंदर की नहीं। इधर गार्ड, बस गार्ड ना बैठा होने पड़ेगा, चलो वापस इधर नहीं है। पर यार अंदर ही है यूनिवर्सिटी का एरिया, वॉक तो कर ही सकता बंदा, माना गेट पास में है, इसका मतलब टाटा आपके चली जाऊंगी। हो गई, देखो कितना चल के आई हूँ पीछे, देखो ये कहाँ आ रही है, ये देखो। हेलो इधर बैठो, पहले सारे सारे उधर बैठो, सारे उधर बैठो, बस इतनी है। कहाँ गए और नहीं है, अपने अपने घर गए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ? विकल्प में पढ़ते हो? वाओ, एबीसी किसको आती है? मुझको है? आती है? ये गाइस इसको आती है, सुनाओ। सब खाते हो? आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे तो इतने ही रह गए हैं, चलो इन्हीं को देखते हैं। उधर पहले डांस करके बताओ, डांस करके बता, डांस खा लोगे? दिखाओ, फोटो दिखाओ, खा लोगे? पूरा खा लोगे? थैंक यू नहीं बोला आपने, आपने आपने थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। और कहाँ है? बस नहीं, मुंह मीठा करो, खुशी बाद में आए थे, ठीक है। डांस कौन कौन करेगा? इसको एक और मिलेगा, ठीक है। दो बच गए, एक आप बड़े हो ना, एक आप, क्या नाम है? खुश हो गया लड़का। आप शंकर, आपका? गुड़िया। गुड़िया, आपका? रामश्री। आपका? महेश। बहुत अच्छे अच्छे नाम है यार, कहाँ रहते हो? यूपी। यूपी, मुरादाबाद। मैं अभी गई थी मुरादाबाद। पहनते हो ये बताओ? गुड़िया बोल रही मेरा सामान संभाल लो, मैं डांस करूँ। चलो आप भी करो, वो चॉकलेट खाने में लग गए गाइस। शर्म आ गई इसको, शर्म आ गई आपको, शर्म आ गई आपको। ये सबसे शैतान है, ये चिल्ला है ना, चिल्ला चिल्ला बोलते हैं ना इसको, इस पे खाना बड़ा टेस्टी बनता है ना। फिर मैं जाऊं, फिर मैं मजा आया, वो स्माइल कर रहा है। लो बाय बाय बाय, वापिस आऊं मैं कि नहीं? क्या खाओगे? अब क्या लाऊं? बिस्कुट लाऊं? बिस्कुट लेके आऊं? चलो ठीक है, बाय। मजा आ गया, वापिस चले। मेरे को इंटरनली बहुत खुशी मिलती है गाइज इनके साथ बात करके, मजा आ जाता है। चलते हैं इससे पहले कि मुझे गार्ड पकड़े और बोले, मजा आया। चलो फिर चलते हैं वापिस, पहुंचते हैं जो जल्दी कैबिन। एक चॉकलेट मैं भी खा लेती हूँ, और मैं भी तो यार बच्ची हूँ यार। तो गाइज मैंने सामान ले लिया अपना, क्योंकि मैं पैक करके रख के गई थी, अब जा रही हूँ ग्रॉसरी। वो गौरव सर ही बैठे थे, सर बोलते चलो कॉफी पी लेते मैम। हेलो गाइस, सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है?
डोलो खा के सो जाओ आराम से। लगा गाइस इधर। ओ गाइस, तो यार उसके बाद थोड़ा, एक तो मैं पढ़ने का काम कर रही थी, उसके बाद वहाँ पे पाठ वगैरह है, तो उसका थोड़ा चल रहा था प्रिपरेशन का कि कल कब जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। और अब हम करने लगे हैं डिनर। गाइस मैंने पी ली कॉफ़ी, रश बहुत था यार, देखो पूरा रश भर है, आवाज़ें आ रही है पूरा। अजीब सी गर्मी है, चिपचिप हो गया, पर ये जो एरिया है यार, मन करता है यहीं घर बना लूँ, इतना ठंडा है, इसी दार एरिया। हाय गाइस, यार मैं आई थी, फिर मैंने फ्रेश भी नहीं, मुँह नहीं धोया, ऐसे लेट गई हूँ, ठंडस भी करनी है, डिनर भी करना है, तो पहले मैं जाती हूँ थोड़ा मुँह धो के आती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं डिनर करने। हेलो गाइस, तो यार मैंने कर लिया था डिनर वगैरह, फिर मेरे रूम में मेरी फ्रेंड आ गई थी, हमने एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे गप लगा लिए। और मैं लगी यार सो रही हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल जाना है घर, घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी घर, यही लगा। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।